तो दोस्तों मोस्ट आस्ड क्वेश्चन ऑफ द इंटरनेट की एसर एस्पायर 7 16 GB रैम वेरिएंट में आखिर में कितने स्लॉट में रैम लगकर आती है, क्या वो 8-8 में लगकर आती है या 16 GB एक स्लॉट में लगकर आती है। इस टाइप के आपके बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे हमारे एसर एस्पायर 7 की जितनी वीडियोस हम लोग अपलोड कर रहे थे, तो उन सबका आंसर करेंगे इस वीडियो में। दूसरा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आप लोग जो पूछ रहे थे कि अगर हमें रैम अपग्रेड करानी है तो हम क्या उसी मल्टीपल लेवल्स में अपग्रेड कराएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी अगर 8 GB रैम है तो आपको दूसरे स्लॉट में 8 GB लगवानी है, अगर आपके पास 16 है तो क्या 16 ही लगवानी है। जितने भी क्वेश्चन हैं आपके रैम रिलेटेड एसर एस्पायर 7 के सारे आंसर करेंगे आज के वीडियो में। उसके बाद भी कोई रह जाते तो आपको पता है आपको क्या करना है, कमेंट्स पोस्ट करने, हमें वीडियो बनानी है, इस तरह से हमारा चलता रहता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एसर एस्पायर 7 16 GB रैम वेरियंट में कितने स्लॉट में लगकर आती है, तो उसका जो आंसर है ड्रम रोल, सिंगल स्लॉट में लगकर आती है। जी हाँ दोस्तों, 16 GB एक स्लॉट में लगकर आती है, एक स्लॉट पूरा खाली है। प्रूफ के लिए आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, वन ऑफ स्लॉट 2 जो आप लिखकर आ रहा है आपकी स्क्रीन पे, तो एक स्लॉट में 16 GB रैम है, दूसरे स्लॉट में आप लगवा सकते हैं। तो इस तरह से आपका पैसा बच जाएगा। अगर आप सोच रहे थे कि यार मेरे को 8 GB हटवानी पड़ेगी बढ़वाने के लिए, अगर आपको फ्यूचर में बढ़वानी है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका एक स्लॉट पूरा खाली है, उसमें आप कुछ भी करो, 16 लगवाओ कुछ भी करो, वो आपका मर्जी है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया बहुत जल्दी कि हमारा दूसरा स्लॉट खाली है, एक में 16 लगकर आती है। अब दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप सबके लिए जानना बहुत ज़रूरी भी है कि अगर फॉर एग्जांपल हम पे 8 GB रैम वेरिएंट है और हमें थोड़ी सी रैम बढ़वानी है और हम पे थोड़ा सा ही बजट है, बट क्या आप ये सोच रहे हो कि क्योंकि हमारे में 8 GB लगी हुई है तो हमें 8 GB बढ़ानी होगी, या आपके पास 16 GB रैम वेरिएंट है और आपको रैम बढ़वानी है तो आप क्या 16 ही लगवानी है? तो इसका आंसर है ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपके पास 8 GB रैम है, आप दूसरे स्लॉट में चाहे 2 लगवाओ, 4 लगवाओ, 8 लगवाओ या 16 लगवाओ, ये आपकी मर्जी है। आपको ये बिल्कुल नहीं देखना कि आपके एक स्लॉट में क्या लगी हुई है। आप पूरे एक स्लॉट में 16 लगवा लो, दूसरे वाले में 2 GB लगवा लो, वो आपकी मर्जी है। तो ये बिल्कुल आप पे डिपेंड करता है कि आपका कितना बजट है और आपको कितनी रैम बढ़वानी है। ये कोई भी आपको फोर्स नहीं करेगा कि आपको 16 लगी तो आपको 16 ही लगवानी है। तो आई होप आपका ये कन्फ्यूजन भी दूर हुआ होगी कि रैम बढ़वाना ये आप पे डिपेंड करता है। बट हाँ ये है कि जो रैम है वो मल्टीपल्स ऑफ 2 में आती है, तो आपको 2, 4, 8 एंड 16 में मिलती है। तो बस इसका आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको मल्टीपल्स ऑफ 2 में बढ़वानी है तो आप या तो 2 GB की ले लो, या 4 का ले लो, चाहे 8 की ले लो, चाहे 16 की ले लो। तो आई होप इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी रैम रिलेटेड, जो भी क्वेरीज थी आपकी एसर एस्पायर 7 से रिलेटेड। बहुत छोटी सी वीडियो थी बट काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन था, तो मैंने सोचा फटाफट से आप सबके लिए एक वीडियो बनाई जाए ताकि जितने भी कन्फ्यूजन चल रहे हैं रैम रिलेटेड वो सारे दूर हो जाएं। तो इसी नोट पे इस वीडियो को एंड करते हैं। आपको किसी वजह से वीडियो पसंद आए तो डेफिनेटली एक लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं उन सभी के साथ जो एसर एस्पायर 7 लेने का सोच रहे हैं। एंड लास्टली हमारी कम्युनिटी को ऐसी बढ़ाते रहें और सब्सक्राइब करते रहें ताकि हम फ्यूचर में ऐसी अनबायस और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप सबके लिए लेकर आते रहें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक कीप स्माइलिंग, कीप रॉकिंग एंड बाय बाय।